गुड मॉर्निंग भाई साहब। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और समझ रहे थे। आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 4 में नया चैप्टर पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझेंगे, ठीक है। देखिए इसमें पढ़ना है हम लोग को गति और समय के बारे में विस्तार पूर्वक जानना है और समझना है, ठीक है। गति क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गति किसे कहते हैं, गति क्या होता है। तो आप लोगों को बता दें कि जैसे ये मार्कर है, मार्कर को जैसे घुमा रहे हैं, क्या है जी, ये गति में है, ठीक है। जैसे एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर चल रहे हैं, क्या है जी, गति में है, ठीक है। जैसे आप लोग सड़क पे दौड़ रहे हैं, क्या है जी, आप लोग तो गति में है। या कोई व्यक्ति जो है साइकिल चला रहा है, वो क्या है जी, गति में है। जैसे घड़ी का जो है, जैसे घड़ी का सुई जो है, क्या होता है जी, चलते रहता है, वह क्या है जी, गति में है। तो ये सब क्या है, गति के सब उदाहरण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गति किसे कहते हैं, ठीक है। इसके पहले जो है आप लोग 6 क्लास में भी गति के बारे में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, जानकारी किए होंगे। लेकिन इसमें हम लोग क्या करना है और विस्तार पूर्वक जानना है और समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गति किसे कहते हैं। हेडिंग क्या बनाइएगा, गति, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को गति कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे जी, तो गति बोलेंगे। या इसको हम लोग दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, या किसी भी वस्तु का समय के सापेक्ष अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान में चले जाना गति कहलाता है, ठीक है। देखिए लिखे हैं कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे जी, गति बोलेंगे। या इसको हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का समय के सापेक्ष अपने स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान में चले जाना क्या कहलाता है जी, गति कहलाता है, ठीक है। जैसे आपसे बोल दे कि कोई बस है, कोई बस एक स्थान से मान लीजिए कि 20 किलोमीटर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में
कोई बस जो है 20 किलोमीटर दूरी तय की है कितना देर में, एक घंटे में, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये समय के साथ जो है अपना जो है निश्चित दूरी तय की है, ठीक है। एक घंटे में कितना किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान चुके हैं और समझ चुके हैं। इसमें जानेंगे क्या चीज, गति के प्रकार, ठीक है। गति के प्रकार के बारे में हम लोग को जानना है और समझना है, ठीक है। देखिए लिखे हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होता है, लिखे हैं जब किसी वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को क्या बोलते हैं जी, तो सरल रेखीय गति बोलते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे, जैसे सीधी सड़क पर गाड़ी का चलना, यह क्या है जी, तो यह रेखीय गति है। या सीधी सड़क पर बाइक का चलना, यह क्या है, तो सरल रेखीय गति है। समझ रहे आप लोग। इसके बाद जो है, जैसे उसके बाद दूसरा में दिया गया है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है, तो जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु वृत्ताकार यानी गोल मार्ग पर चलती है, यानी गोल मार्ग पर घूर्णन करती है, तो उस गति को क्या बोलते हैं जी, तो उस गति को वृत्तीय गति। वृत्तीय गति या इसका दूसरा नाम क्या है जी, तो वर्तुला, वर्तुला, वर्तुला गति कहा जाता है, ठीक है। इसे वृत्तीय गति या वर्तुल गति भी बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में, जैसे सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूर्णन करना है, यह किस गति के कारण, तो वृत्तीय गति के कारण घूर्णन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे जो है कॉल और हम लोग जानकारी करेंगे।